सबसे पहले तो भैया स्टार्ट करें इसको, देखिए स्टार्ट होता है कि नहीं होता, होना तो चाहिए। अरे बाप रे, अब राइडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है तो भैया इसको बनाना तो बनता है ना। बहुत दिन हो गए थे भैया, बहुत खुजली हो रही थी कि राइड पे जाना, राइड पे जाना, राइड पे जाना। अरे वाह क्या बात है, थार फाइव डोर। ये नीचे चेक करो, देखो ये मिट्टी अभी वॉशिंग के बाद ही ये हाल है, अभी और पता नहीं क्या क्या होगा। और मेन तो अपना थोड़ा टेंशन था इसका हैंडल बार का, वो भी अब क्लियर हो गया। पहुंच गए मार्केटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये लुधियाना में एक DJI का ऑफिशियल सर्विस सेंटर है। हाँ जी भाई लोग, यहाँ पे पड़ गया चक्कर तगड़ा। अब वो जो दिक्कत आई है भाई, वो मोटा फटका देने वाली है। फटका ऐसे देने वाली है कि गिम्बल का जो प्राइस है ना वो है 16,000 रुपीज। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लगता है यार तो लाइट की कमी है, अरे लाइट ऑन कर लेते हैं। हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है ना दोस्तों। सीन दिखाता हूं अभी, सबसे पहले क्या है भाई, ये खड़ा अपना बगीरा जिसकी हालत बहुत 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 ज़्यादा बुरी हुई पड़ी है। रीज़न क्या है कि पिछले 3-3.5 महीने से ये ऐसे ही खड़ा है, कोई राइड करने का टाइम नहीं मिला, कहीं जाने का टाइम नहीं मिला, इनफैक्ट इसको वॉश कराने का टाइम नहीं मिला। अब भाई दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरा हौजरी का बिजनेस भी है, जिस वजह से आप सीज़न शुरू हो चुका है, और जब सीज़न स्टार्ट होना होता है ना तो भैया पूरा दबा के जोर लगता है। उस चक्कर में कहीं भी आना जाना नहीं हो रहा था, जहाँ भी ट्रैवल हुआ वो अपने काम के रिलेटेड हुआ, तो अपना बगीरा तो घर पर ही खड़ा रहा, तो ये कहीं गया नहीं। उस वजह से इस पर मैं पूरा ध्यान भी नहीं दे पाया। तो भैया फाइनली आज हमने टाइम निकाला कि आज कुछ भी हो जाए सबसे पहले हम चलेंगे, पहले बगीरा को वॉश कराएंगे, जो इसका थोड़ा बहुत काम करवाना है वो करवाएंगे। क्योंकि अभी क्या किया, अभी राइडिंग सीजन स्टार्ट हो गया। अब आप मेरी इस बात से समझ जाओगे कि राइडिंग सीजन स्टार्ट होने का मतलब ये है भैया कि अब राइडिंग भी लॉन्ग। तो दोस्तों अभी आज का जो काम है, सबसे पहले काम यही है, फटाफट से चल के पहले तो बगीरा को वॉश कराएंगे, अगर सर्विस होनी होगी तो सर्विस करवा देंगे, क्योंकि उसके बाद अपने को लॉन्ग 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 राइड्स पे निकलना है। अपने को रास्ते में दिक्कत नहीं हुई होनी चाहिए, इसलिए सबसे बेटर यही है कि अपनी बाइक को पूरा ध्यान दो। जितना आप अपनी बाइक को पैम्पर करोगे उतना ही बाइक आपका साथ देगी। जैसे एक बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग था इसका, कौन था, हाँ जैकी श्रॉफ का, कि जितना प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे वॉर में खून कम बहेगा। तो उसी तरीके से भैया जितना भी आप बाइक को पैम्पर कर लोगे ना उतना ही आपकी बाइक आपका साथ देगी, आपको तंग नहीं करेगी। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अभी चल रहे हैं, फटाफट से बाइक को पहले वॉश कराएंगे, सर्विस कराएंगे, जो भी होना होगा वो देख लिया जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी अपना जो काम है, अपने को जाना है अपनी ड्रोन सर्विस कराने के लिए। ड्रोन भी सर्विस होगा, कैसे होगा, क्योंकि जब मैं ड्रोन शॉट लेता हूँ ना तो नॉर्मल लैंडस्केप में जब उसको फ्लाई कर रहा हूँ, शॉट ले रहा हूँ तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंस्टा रील के लिए या शॉर्ट्स के लिए पोर्ट्रेट मोड में अगर उसको लेके आता हूँ तो जो वीडियोज़ है ना वो शेकी आती हैं, तो वो अपने को नहीं चाहिए। इसलिए बेटर यही रहेगा कि इसको प्रॉपरली पहले अपने ड्रोन को भी दिखा लिया जाए, जो हमारे लुधियाना में है DJI का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे मेरी बात हो गई है। तो वो कहते हैं भाजी आप ले आओ देख लेते हैं, तो पहले चलते हैं फटाफट से बाइक को सारा काम करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं ड्रोन ठीक कराने के लिए। फिर जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता जाएगा आपको साथ में इंजॉय कराते चलेंगे। सबसे पहले तो भैया स्टार्ट करें इसको, देखिए स्टार्ट होता है कि नहीं होता, होना तो चाहिए। अरे बाप रे, ये तो डेड हो गया, इसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, जान ही नज़र आ रही। हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ चलो स्टार्ट तो हो गया, थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। निकल चले अपने बगीरा को लेके, अब फटाफट से सर्विस सेंटर पहुँचते हैं। अरे बाप रे भूल गया यार, ड्रोन लेके आना था वो भूल ही गया। चलो पहले वापस चलते हैं, ड्रोन भी ले लिया। यही चक्कर होता है भैया जब बंदा अकेला हो, काम ज़्यादा हो ना, फिर यही कुछ होता है, क्योंकि दिमाग में 100 बातें घूम रही होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी फटाफट से चलते हैं, बाइक का जो भी काम होना वो करवाते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे ड्रोन का काम कराने के लिए, फिर आगे देखते हैं। क्योंकि मन तो आज ऐसा हो रहा है कि आज टाइम है ज़्यादा, पता क्या चक्कर है, चक्कर ये है कि आज है मंडे और मंडे को मेरी मार्केट बंद होती है, जहाँ पर हमारा काम होता है तो मार्केट बंद होती है, तो मंडे को मेरे को फ्री टाइम मिल जाता है। संडे को बिजी रहता हूँ, मंडे को फ्री होता हूँ। नॉर्मली भैया लोग संडे को फ्री होते हैं और मंडे को उनको काम पे जाना रहता है, अपने यहाँ पे काम उल्टा है थोड़ा सा। तो जैसा भी है अब इतना है, जो मेरा बिजनेस है वो ऑटोमेशन पे आ चुका है, अब मैं चाहूँ तो थोड़ा सा छुट्टी वगैरह लेकर निकल सकता हूँ कहीं भी। तो इसलिए अपने लिए तो सीज़न स्टार्ट हो गया राइडिंग का भी। अब राइडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ है तो भैया इसको बनाना तो बनता है ना।
बहुत दिन हो गए थे भैया, बहुत खुजली हो रही थी कि राइट पे जाना राइट पे जाना राइट पे जाना, बट नहीं निकल पा रहा था। अब जब मौका मिला, मैं नहीं चाहता कि एक दिन भी मैं मिस करूं, बस फटाफट से अपनी बाइक का काम करवा के बाइक रेडी करके तो निकलते हैं। अभी मुझे ना एक दो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन और भी करवाने हैं बाइक में, क्योंकि जो मेरी अगली राइड में प्लान कर रहा हूँ ना, वो प्लान कर रहा हूँ कहीं ऑफ रोड जाने का, और ऑफ रोड भी थोड़ा बहुत नहीं ज़बरदस्त वाला। इस वजह से कुछ चीज़ें मुझे चाहिए जो कि मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही। लुधियाना में हमारे ठीक है, सिटी बड़ी है, बट इतनी बड़ी भी नहीं है कि बाइकिंग रिलेटेड सारा सामान मिल जाए। तो अब यह है कि इसके लिए मुझे कल चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा प्रोग्राम बनता है कैसा नहीं बनता, वो मैं साथ साथ में आपको अपडेट करता चलूँगा। तो चलो दोस्तों, पहले आपको मैं चल के एजेंसी में मिलता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, थार फाइव डोर, चलो अच्छी बात है। हम इसके लिए नहीं आए, हम तो जाएंगे भैया एजेंसी में, सर्विस सेंटर पे। चलो 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 चलो, लो भाई पहुंच गए। लो जी, प्रदीप सिंह लगा हुआ अपने काम पे, देखते हैं क्या कहता है ये। हाँ जी प्रदीप जी, हम देख ला हाल की है। जो लास्ट साइड से गया सी ना, पूरी तरह खड़क गया सी, हुण इहदा सारे अंजर पंजे चो टाइट कर दे ताकि अगली राइड स्टार्ट करिए। लो भाई दोस्तों, बाइक आ गई अपनी वॉशिंग पे, जो जो दिक्कतें हैं जो जो प्रॉब्लम है वो सब मैंने बता दी, अब बस फटाफट से वॉश हो जाए। मेरे को तो यही है यार, क्या गंदी हुई पड़ी है, मतलब खुद देख के कुछ ना कुछ होता है मन को ना, बट क्या करें भाई, मजबूरी थी तो काम धंधे के लिए कई बार कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, पर ये इग्नोर अब नहीं होगी, तो फटाफट से इसको वॉल पहले वॉश कराते हैं। बगीरा तो आ गया अपना नहा धो के एकदम जबरदस्त तरीके से, बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, नहा धो के क्या सुंदर साफ सुथरा लगता है यार, दिल आ जाता है इसके। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत मुझे नज़र आई है, ये अपनी ब्रांडिंग जो है ये ख़राब हो गई है। इस बार कोशिश करते हैं ब्रांडिंग करवा के उसके ऊपर PPF करवा दें ताकि दोबारा ये दिक्कत आए ना। जब वॉशिंग वगैरह होती है ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, और एक दो चीज़ें मुझे ये भी नज़र आ रही हैं, जैसे ये वॉशर लगी हुई है इस पर रस्ट आ गया, इसको भी रेक्टिफाई कराते हैं, देखते हैं। चक्कर साहब के पास जाना पड़ेगा आज, बाकी तो एकदम ओके है सब। ये लो भाई लोग, ये देखो, ये वो कहते हैं ना ऑफ रोड के साइड इफेक्ट, ये निकल रहे हैं, ये मिट्टी देखो निकल रही है इस पॉकेट में से, तो आप खुद चेक करो क्या हालत हो रही है। अरे वाह, ये नीचे चेक करो देखो, ये मिट्टी अभी वॉशिंग के बाद ये हाल है, अभी और पता नहीं क्या क्या होगा। अब भैया अगर सीधी रोड पर जाएंगे तो बाइक को कुछ भी नहीं होना, तो फर्क थोड़ी पड़ना इसको, ये तो हाथी है, जहाँ मर्जी घुसा दो, हाथी नहीं हमारा तो बगीरा भाई, इसीलिए इसको ऑफ रोड पर लेके जाते हैं कि जहाँ मर्जी लेके जाओ मज़ा आए, फन करने के लिए वहीं सबसे बेटर ही है। तो ये आप देख रहे हो मिट्टी वुट्टी कैसे निकल रही है, यही सब चीज़ें खराब करती है, तो ये क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बाइक से मज़ा लेना चाहते हो तो बाइक को प्रॉपरली पैम्पर करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो ये क्या स्टॉक निकल रहा है, ये देखो मिट्टी का स्टॉक। बगीरा आ गया अपना रेडी हो गया। इसमें यार थोड़ा सा मेरे को इशू आ रहा था कि जब इस पर बाइक में चला रहा था ना, तो ये साइड का हैंडल मुझे खींच रहा था थोड़ा सा, मुझे थोड़ा डाउट था, वो भी मैंने क्लियर करा लिया है। चक्कर पास जाके ना ये जहाँ जहाँ रस्टिंग हो रही है ना, इसको थोड़ा यार पेंट करवाएंगे, स्प्रे पेंट करवा देंगे, उससे काम अपना हो जाएगा। वैसे तो है स्टील पार्ट है, बट वो ये स्टील पे रस्ट कैसे आ गया मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। जो भी है रेक्टिफाई कराते हैं इसको भी, अपने को सब काम ओके चाहिए। और मेन तो अपना थोड़ा टेंशन था इसका हैंडल बार का, वो भी अब क्लियर हो गया। तो चलो दोस्तों फटाफट से बिल पे करते हैं, बिल पे करने के बाद ड्रोन सर्विस सेंटर चलते हैं, ड्रोन का काम कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। बिल तो अपना आ गया और बगीरा अपना यहाँ पे रेडी खड़ा है, बस अब फटाफट से बगीरा को उठाना है और आगे निकलना है। चलो चल के फटाफट से अपना हेलमेट उठाएं, ये अपना पड़ा है ड्रोन, ड्रोन उठा के फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। बाइक तो हो गई अपनी टनाटन एकदम ज़बरदस्त वाली, बगीरा अपना सेट हो गया, बट अभी ये भूख दिखा रहा है कि मेरे को भूख लगी है, तो चलो फटाफट से बगीरा का पेट फुल कराते हैं फिर आगे निकलते हैं।
भैया कुछ ना कुछ तो चक्कर चलता ही रहता है। अल्लाह जी उन्होंने उधर बुला लिया, अब देखते हैं उधर लेके जाते हैं साइड पे। लो जी कर दो भाजी फुल कर दो, बगीरा हो गया अपना फुल रेडी, बगीरा की सर्विस भी हो गई, सब काम हो गया, फ्यूल भी टैंक फुल हो गया। अब बगीरा कह रहा कि ले जाओ मुझे कहाँ ले जाना है, आज तो ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे इसको। हाँ 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 हाँ, हैंडल वगैरह सीधा हो गया ना तो इसको चलाने का मज़ा ही अलग हो गया यार, बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार। हाँ अब तो सही बताऊँ तो ना हर जगह पे खुजली हो रही है पूरे शरीर में, हाथों में भी टांगों में भी और पीछे भी, कि फटाफट से राइड पे निकल जाऊँ कहीं ना कहीं। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी एक दो दिन छोटे छोटे और काम करवाने हैं मैंने, उसके बाद फिर निकलते हैं फटाफट से ज़बरदस्त वाली राइड पे। भैया ये अपने सिटी का एरिया ऐसा है जहाँ पे कभी जाम ख़त्म नहीं होता, यहाँ पर तो हमेशा जाम रहता ही रहता है। अभी पहुँच गया बस स्टैंड के पास, बस ये बस स्टैंड क्रॉस करने के बाद हमें पहुँचना भाई भाला चौंक, वहाँ पे DJI का सर्विस सेंटर है। एक यही एक नाइट मेयर होता है यार किसी भी राइडर के लिए कि बस जाम ना मिले यार, जाम मिलता है तो दिक्कत होती है। पहुँच गए अभी डेस्टिनेशन पे, अभी यहाँ पे अंदर है सर्विस सेंटर, चल के फटाफट अपना ड्रोन दिखाते हैं फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। भाई पहुँच गए माइक्रोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये लुधियाना में एक DJI का ऑफिशियल सर्विस सेंटर है। अब यहाँ पे चल के अपना ड्रोन दिखाते हैं फटाफट से, देखते हैं भाई क्या रिपोर्ट आती है, तो चलो चलते हैं अंदर। हाँ जी ये दे दिया भैया को ड्रोन, ये पाजी ने फिट तो कर दिया पूरा, अब देखते हैं। ये पड़ा अपना सारा सामान यहाँ पे खिल रहा हुआ। लो भाई दोस्तों ये चल रही है अपनी टेस्टिंग। हाँ जी पाजी हो गया डन, चलो भाई इसको फ्लाई करते हैं एक बार, देखते हैं इसका जर्क ठीक हुआ कि नहीं। ये प्रॉब्लम थी कि ये हल्का हल्का जर्क दे रहा था यहाँ से, अब देखते हैं इसको टेस्ट करके देखते हैं। चलो भाई लोग यहाँ पे पड़ गया चक्कर तगड़ा। तगड़ा कैसे पड़ गया कि जो ड्रोन का गिम्बल होता है ना भैया बता रहे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आई है। अब वो जो दिक्कत आई है भाई वो मोटा फटका देने वाली है, फटका ऐसे देने वाली है कि गिम्बल का जो प्राइस है ना वो 16,000 रुपीज, 16,000 रुपये। चीज़ें देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं बट भैया जब प्रॉब्लम देती है ना तो बैंड बाजा बरात कर देते हैं। अब देखते हैं, फिर भी उनको मैंने बोला है कि पहले से तो प्रॉब्लम कम हुई है, आप चेक कर लो, अगर इसका कोई और सोल्यूशन हो सकता है वो करवाओ, नहीं तो फिर खर्चा करना पड़ेगा। अपन लोग निकल चले अपने घर की तरफ, ड्रोन का जो काम होना था वो हो गया, पूरी तरह से रेक्टिफाई तो नहीं हुआ क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया भैया खर्चा मोटा बताया जा रहा है, अब इतना तो अभी अपना बजट है नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है अभी तो लैंडस्केप मोड है वो अपना सही चल रहा है उसमें कोई इशू नहीं है तो उसी काम चलाएंगे, शॉट निकालने होंगे भैया फिर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और क्या होगा, तो मेहनत कर ली जाएगी क्योंकि मेहनत से पीछे हटने वाले तो हम हैं नहीं। अरे बाप रे फिर फंस गए जाम में, मुझे तो लगा था भैया साइड से निकल जाएंगे बट मुश्किल ही है। चलो लाइट ग्रीन होने की वेट करते हैं, बट भैया खर्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। एक जाम से निकलो तो दूसरा जाम नज़र आ जाता है और वो भी तगड़ा वाला भयंकर वाला जाम लगा हुआ, आगे चेक करो आप। अब देखते हैं इससे कैसे पार पाया जा सकता है क्योंकि फटाफट से चक्कर साहब के पास पहुंचना है, पहुंच के जो बाइक का रैक है अपना उस पर पाउडर कोटिंग करानी है यार, आपको मैंने दिखाया कि उस पर रस्ट लगा हुआ है तो रस्ट का इलाज करवाने जाना। राजेश से मेरी बात हुई थी कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, कहता पाजी आप एक काम करो आप मेरे पास ले आओ इसको रैक को, खोल देते हैं, खोल के मेरा सामान जा रहा है पाउडर कोटिंग पे और कल आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे आ जाएगा,
तो इसको भी पाउडर कोटिंग के लिए भेज देते हैं। मैं कहा भाई सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो मैंने कहा चलो करवाते हैं। अब फटाफट से राजा साहब के पास पहुँचे तो इसको करवाते हैं रेक्टिफाई। पहले तो ये जाम का आग का समंदर जो है इसको पार करना है। पहुँच गए राजे के शॉप पे। ये देखो ये जो चीज़ मैं आपसे बता रहा था, ये देखो ये रस्ट लगा हुआ ना यहाँ पे, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है यार, ये टेंशन दे रहा है। अब इस रस्ट को कवर करने के लिए इसको पाउडर कोटिंग करवानी है। ये देखो यहाँ पे भी रस्ट है, तो ये सब रस्ट को ख़त्म करने के लिए इसको अच्छी तरह रब करवा के फिर पाउडर कोटिंग करवानी है। भाई यहाँ का तो अपना काम हो गया, जो पीछे रैक खोल के इनको देना था वो दे दिया है। दो दिन बाद रैक को पाउडर कोट होके आएगा, फिर आके उसकी फिटिंग करवा लेंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर सका क्योंकि भैया घर से आ गई कॉल, कुछ ज़रूरी काम है तो उसके लिए भागना पड़ रहा है फटाफट से घर पे। तो राजा पाजी से भी आपकी मुलाकात कराएंगे अगले ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में तो नहीं खैर उससे अगले ब्लॉग में, क्योंकि अभी अगले ब्लॉग में आपको कुछ और देखने को मिलेगा मस्त मस्त वाला। तो अगले ब्लॉग में अब बाइक की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मिल जाती है, उसका सामान लेने के लिए मुझे जाना है, तो कल मैं चंडीगढ़ के लिए निकलूँगा। आपको भी मिलाते हैं कुछ पुराने दोस्तों से, और कुछ जो सामान लेना है वो भी लेके आते हैं। ये है भूल भुलैया चौक, हमारा प्यारा सवराला चौक। घर पहुंच के देखते हैं क्या काम है जिसकी वजह से बार बार फ़ोन आ रहे थे। यही चक्कर होता ना यार, राइड पे जाने का मज़ा तब आता है जब आपको पीछे को कॉल ना आए घर से। अभी क्या है, आप निकलो और फैक्ट्री के कभी कोई काम अटक गया, कभी कोई काम अटक गया, तो खुद देखना पड़ता है, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। 95% तक तो वो दिक्कत दूर हो गई, सिर्फ 5% बची है, और मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगी। बस भैया फिर उसके बाद तो बल्ला 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 निकलेंगे राइड पे और धमाल मचाएंगे, मज़े कराएंगे। घर तो पहुंच गए हम लोग, जो काम निपटाना था वो भी निपटा लिया। यार मैं भी यहाँ से निकल रहा था, निकलते निकलते ना मेरे को बाइक की ये लुक नज़र आई, मुझे लग रहा यार ये भी अच्छी लग रही है। जब टूरिंग में नहीं जाना तो भैया पीछे से ये इसका रैक निकाल के तो ये लुक दे दी जाए, कैसी लग रही है आपको? अगर आपको अच्छी लग रही है तो बताना यार कमेंट में मेरे को। अगर ऐसी लुक अच्छी लग रही है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको थोड़े दिन। एक वो सुपर बाइक वाली फील भी आ जाएगी ना भाई। सुपर बाइक वाले क्या करते हैं, यही कुछ करते हैं ना, सुपर बाइक लेके पीछे टेल टाइडी वगैरह सब हटा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अपन लोग तो सिर्फ रैक निकालेंगे और कुछ नहीं, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। यहाँ से लुक मेरे को काफ़ी नाइस, मतलब अलग सी लुक लग रही है, मज़ा आ रहा है देख देख के। अब ये देखो ना, ये मेरा पुराना ड्यूक खड़ा, अब ड्यूक में ये पीछे रैक लगा हुआ है, इसको रैक को भी निकलवाना है। अब करण सिंह पीछे पड़ा हुआ, जी मेरे को ये रैक निकलवा के दो, रुको यहाँ पे थोड़ी लाइट की दिक्कत है। हाँ अब आपको लाइट प्रॉपरली आएगी। तो ये देखो ये अपना ड्यूक खड़ा है। अब करण सिंह कह रहा है भाई इसकी मेरे को स्क्रीन भी नहीं चाहिए और मेरे को सिंपल करके दो, तो अब इसको भी देखते हैं कुछ ना कुछ इस पर मॉडिफिकेशन करानी शुरू करते हैं इस पर भी, और रैक भी निकालते हैं इसका और ये विंडस्क्रीन भी निकालते हैं। अब देखते हैं इसका भी बहुत जल्दी इसको काम शुरू कराते हैं। बट इसका मेरे को जरूर बताना यार आपको कैसा लग रहा है। ये जो टेल ऐसे इसकी खाली खाली नज़र आ रही है, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। इसको ऐसे ही छोड़ा जाए या आप इस पर रैक लगा दिया जाए? आज दिन भर का रूटीन आपने देख लिया क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखना जरूर कि बहुत ज़बरदस्त है, इस पर भी कुछ मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं चंडीगढ़ जाऊँगा कल कुछ इसका सामान लेने के लिए, आपको भी साथ में लेके चलते हैं शॉपिंग शूपिंग कल करके आएंगे यार। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय।